हाय एवरीवन, मैं हूँ नेमत और आप नेमत खाना चैनल देख रहे हैं। आज मेरे पास इडली की रेसिपी है, तो मैं इसे फर्मेंट करना बताऊंगी, इसे सॉफ्ट और स्पंजी बनाना सिखाऊंगी, साथ ही इसे ट्रेडिशनल तरीके से परोसना भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं कोई इनो या सोडा इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, इसे बहुत ही नेचुरल ढंग से मैं बनाने वाली हूँ। और फर्मेंट किया हुआ इडली बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें पोर्स होता है तो इसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है और डो बहुत अच्छे से राइज करता है। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी राइस फ्लावर लिया है। राइस फ्लावर मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है, आप इसे लेकर स्टोर कर सकते हैं और जब मन चाहे तब आप इसे बना सकते हैं। तो इसे उड़द की पिसी हुई दाल के साथ मैंने घोलकर बना लिया है और इसे 4 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ दूंगी। उड़द की दाल को मैंने ओवरनाइट सोक किया था, धोकर सोक किया था और उसी पानी से मैंने उड़द की दाल को पीसा था ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिसी हुई जो पीठी है वो कितनी सॉफ्ट है और पानी पर फ्लोट कर रही है। 4 घंटा के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और मैंने इसको घोलते वक्त थोड़ा सा इसमें नमक और थोड़ी सी चीनी डाला है, इससे ये जल्दी फर्मेंट होगा। अब यहाँ पर एक सांचा ले लेना है, उसमें कोई भी कुकिंग ऑयल लगा लेना है ताकि इडली आपकी चिपके नहीं। साधारण कुकर में मैं इसे बनाऊँगी और कुकर तो सभी के पास होता है, तो कुकर में ही इसे स्टीम करना है। ध्यान रहे कि कभी भी सोडा या इनो इसमें नहीं डालते हैं, वरना ये देखने में तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उसी तरह से इसे लगातार इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से वो नुकसान करेगा। और अगर आप इसे फर्मेंट करके बनाते हैं तो आपके गट हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है और इसका टेस्ट और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इसे स्टीम कर लिया है। स्टीम करते वक्त आप कुकर की सीटी हटा लें। 10 मिनट में ये स्टीम हो जाता है और आप देखिए कि 10 मिनट के बाद ये कितनी अच्छी तरह से पक कर तैयार हुआ है। तो 4 घंटे में ही, आजकल थोड़ी गर्मी का वक्त चल रहा, तो 4 घंटे में ये इतना अच्छा फर्मेंट हो गया है। अगर जाड़े का दिन हो तो आप इसे 8 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना गुलगुले जैसा सॉफ्ट है। तो जब भी आप इसे बनाएं, इसी तरीके से बनाएं। और राइस फ्लावर से बनाने में ये आसानी है कि आपको चावल भिगोने का झंझट नहीं होता है। जब भी आपका मन करे आप इसे इंस्टेंटली घोल कर बना सकते हैं। तो देखिए, हमने बहुत ही आसानी से ये राइस का इडली बनाकर तैयार कर लिया है। साथ में नारियल की चटनी है और पूड़ी है। पूड़ी की रेसिपी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं और इडली की चटनी हमारे चैनल पर भी है और आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके साथ सांभर भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी हुआ होगा। इसका टेस्ट तो मैं ही बता सकती हूँ, लेकिन टेक्सचर वीडियो में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए, ये हमारी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से आप बनाए। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आपने विज़िट किया है तो हमें फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।